नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं के विषय में बताऊंगी। आइए उसे देख लेते हैं। आज ही के दिन 1600 में मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया था, जिसका निर्माण 24वीं और 26वीं शताब्दी के दौरान निजाम शाही वंश के पहले सुल्तान मलिक अहमद ने करवाया था। इसे ब्रिटिश राज के दौरान जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। आज ही के दिन 1845 में प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संस्करण छपा था। अमेरिका पत्रिका में दावा किया गया था कि वैदिक मंत्रों को याद करने से दिमाग के उस हिस्से को बढ़ोतरी होती है जिसमें काम संज्ञान लेना है, यानी कि चीजों को याद करना है। डॉक्टर जेम्स हॉटजेल नाम के न्यूरो साइंटिस्ट के इस शोध को साइंटिफिक अमेरिकन नाम के जर्नल से प्रकाशित किया था। आज ही के दिन 1896 में प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। उनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति सहाय था। आज ही के दिन 1904 में कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन किया गया था। 1916 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1922 में जापान साइबेरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुआ था। आज ही के दिन 1924 में जॉर्जिया ने सोवियत संघ के खिलाफ असफल विद्रोह में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1972 में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित हुआ था। इसका पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय मुंबई में है। आज ही के दिन 1984 में सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। आज ही के दिन 1986 में भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। भाग्यश्री का जन्म 4 अगस्त 1961 मुंबई में हुआ था। वह शुरू से ही बहुत होशियार थी। शतरंज में उनकी दिलचस्पी महज 12 वर्ष से ही उत्पन्न हो गई थी और इसका श्रेय उनके पिता को ही जाता है। आज ही के दिन 1990 में इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित किया था। आज ही के दिन 1996 में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी डायना ने औपचारिक तौर पर तलाक लिया था। आज ही के दिन 2008 में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फॉक्स ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया था। आज ही के दिन 2008 में बराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने, जिसका नाम अमेरिका की एक बड़ी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में पेश किया था। आज ही के दिन 2017 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत जीता था। सिंधु पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रमन और पी विजया के घर 5 जुलाई 1995 में पैदा हुई थी। लोकपाल आंदोलन। अन्ना हजारे ने आज ही के दिन 2011 में भारतीय संसद द्वारा 3 मांगों के समर्थन का प्रस्ताव पारित करने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में 13 दिनों से जारी अनशन को स्थगित करने की घोषणा की थी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरी वीडियो आप ही को सबसे पहले मिल सके। आपके संदेश रोजाना मुझ तक पहुँचते हैं। इतने प्यारे प्यारे संदेश पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इतिहास में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ। धन्यवाद।